नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं गरिमा भारती। बेगूसराय के सर्किट हाउस में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक की, जिसके दौरान वो अधिकारियों पर आग बबूला हो उठे, क्योंकि 3 लाख से अधिक आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जाने वाले थे, लेकिन अब तक 50,000 कार्ड ही बन पाए हैं। वे इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने अधिकारियों के खाना और वेतन तक पर सवाल उठा दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। कमेटी की बैठक, भोजन करने में आप और हम कभी रुक रहे हैं, कोटेश्वर कमेटी की मीटिंग छोड़ रहे हैं। कस्टोडियन कौन है इस विभाग का, हेल्थ का? मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 साल से है। अगर 10 साल से है तो कॉन्ट्रैक्टर पर भी FIR हो और आप लोगों पर भी FIR होनी चाहिए। कह रहे हैं कि तनख्वाह लेने में तो कोई कमी नहीं है। मैं नए और पुराने नहीं होते हैं, सिस्टम होता है, MP सिस्टम होता है, कुछ नहीं करते। लेकिन ये क्या तरीका है? बाढ़ में तो आपका बोर्ड खुल गया। बाढ़ में मैं घूम रहा था बलिया में, आके सिर्फ लोग थे, केवल बोतल रखा हुआ था और कुछ नहीं था, पत्रकार लोग साथ। मैं आनंद जी कह रहा हूँ, सिस्टम होता है, जनता का पैसा लगा। कस्टोडियन हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट कहेगा हमको हैंडओवर होगा तब तो। सबसे दुखद रहा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए बनाया, और दुर्भाग्य है कि यहाँ 3,70,000 परिवार को कार्ड मिला है, परिवार को, और उसमें मात्र 50,000 परिवार को ही कार्ड बन पाया है। आज अगर DM होते तो मैं DM से पूछता, लेकिन सिविल सर्जन भी नहीं उनके बिहाफ में आए थे। मुझे बड़ी दुख हुआ कि पेशेंट की संख्या भी बहुत कम है, कार्ड ही कम बने, प्रचार प्रसार नहीं है। अब मैंने आग्रह किया है कि अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि क्या आप गरीबों के हित की बात नहीं करते, क्या आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को विफल करना चाहते गरीबों के हित के लिए। तो मैं बहुत ही असंतोषजनक बातें हुई। मैंने बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, और ये जिला के सिविल सर्जन ऑफिस के अधिकारियों से भी, आनंद शर्मा डॉक्टर आए थे, उनसे भी बातचीत की, और मैंने अपना असंतोष जताया है। हॉस्पिटलों में उसका पंजीकरण नहीं हो रहा है, उस पर भी हम चिंता व्यक्त किए हैं। एक हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए कह रहा है, उसको अभी तक परमिशन नहीं मिला है, जिला में है नहीं, और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहा है तो उसको आप परमिशन दे रहे हैं। बुरा स्थिति है आयुष्मान भारत का, बहुत ही बुरा स्थिति। तो सुना आपने किस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अधिकारियों पर गुस्सा हो रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके इस गुस्से के बाद क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आ पाता है। बहरहाल, आप बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।